नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अब तो आप इससे परिचित हैं, अगर आपके मित्र नहीं परिचित हैं तो उन तक इस चैनल को पहुंचाइए। यहां आपको संस्कृत साहित्य का बहुत बड़ा भंडार मिलेगा। वीडियो भी इतने हैं, रोज एक वीडियो तो आता ही आता है, और पिछले 3 साल से, अब तो 4th साल चल रहा है, ये चैनल चल रहा है। कभी तो हमने एक एक दिन के 3-3, 4-4 वीडियो भी डाले हैं, क्योंकि तब कोई देखने सुनने वाला नहीं था, तो ये सोचते थे कि जितने ज़्यादा डाल दें उतने ज़्यादा। अब इस पर 2.5 से 3 हज़ार जितने वीडियो होने जा रहे हैं, तो आनंद लेते रहिए। यहाँ आपको चाणक्य नीति सुननी है, यहाँ आपको वाल्मीकि रामायण सुननी है, यहाँ आपको महाभारत सुनना है, यहाँ आपको विदुर नीति सुननी है, श्रीमद् भगवद गीता सुननी हो, नीति शतक, वैराग्य शतक, मुद्रा राक्षस हो, कि कालिदास की सभी रचनाएं हो, या भास की सभी रचनाएं हो, या भवभूति की रचनाएं हो, आपको जो सुनना है खाली आप सर्च कीजिए चैनल पे जाके और आनंद लीजिए। आज एक छोटा सा श्लोक है, लेकिन श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। यूयम वयम वयम यूयम इति आसीन मति आवयोः। यूयम वयम वयम यूयम इति आसीन मति आवयोः किम जात मधुना मित्र यूयम यूयम वयम वयम। भैया हमारे बीच में क्या था, जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। नहीं 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 नहीं, मेरा सब कुछ तेरा, तेरा सब कुछ मेरा, क्योंकि मैं ही तू और तू ही मैं। यूयम वयम, आप मैं और मैं आप, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई अंतर ही नहीं था। तुम हम थे और हम तुम थे। अभी बीच में एक फिल्म का गीत भी आया कि दर्द दिलों के कम हो जाते, तू और मैं अगर हम हो जाते। यहां इसी बात को कहा गया है, हजारों साल पहले कहा गया है कि मैं और तुम और मैं हमेशा एक थे। ये हुआ क्या, आज क्या हो गया कि तुम हो गए और हम हो गए, यूयम यूयम वयम वयम। लेकिन यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। इस ईश्वर ने जब इस सृष्टि की संरचना की तो उसने भी नहीं सोचा होगा कि मैं जिस मनुष्य को बना रहा हूं ये मनुष्य मुझे बनाने लग जाएगा, ये मनुष्य एक दिन मुझे बनाने लग जाएगा, ये तो उसने भी नहीं सोचा। हमारे यहां कहते कि पहले सतयुग था, क्योंकि कोई किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करता ही नहीं था, तो नहीं दंड के विधान की आवश्यकता थी, नहीं दंड की आवश्यकता थी, सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, सबको श्रेष्ठता का एक रोग हुआ करता था कि कौन किससे अधिक श्रेष्ठ हो जाए। ये शायद उस जमाने की बात है। आज तो लोगों को निकृष्टता का रोग लग गया है। हर व्यक्ति ये कहता है कि तुम इतने गिरे, अरे हम तो तुमसे महान गिरे हुए हैं। ये सबसे बड़ी विचित्रता हो गई। इसलिए कायदे कानून होते हुए भी कोई कायदा कोई कानून ना हो, इस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं। तो जीवन की जो सच्चाई है वो तो यही है कि ईश्वर ने जब वृक्ष को जमीन से उगाया तो एक तना बनाया और उस तने के साथ में डालियां फूटी, उसमें से और डालियां फूटी, उसमें से पत्ते निकले, लेकिन आधार सबका एक ही रहा वो तना। और उसने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कमाता हूं और ये सब के सब खाते हैं। आज तो हर व्यक्ति
सिर्फ ये कमाने खाने के चक्कर में। देखिए हुआ कुछ ऐसा है, सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को समान अधिकार की बात आई, उनको समान अधिकार के नाम पे मुझे ये लगता है कि अधिक शोषण होने लग गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बाहर नौकरी करने क्यों जाती हैं, मेरी अपनी पुत्रियां जाती हैं, लेकिन अगर समानता का अधिकार देना था ना, तो कब वो दिन आएगा जब एक मां अपने बेटे को भी रोटी बनाना सिखाएगी? जिस दिन ये दिन आ जाएगा ना, पुरुष को खाना बनाना सिर्फ समय सिखाता है। मेरे जैसा कोई गुरुकुल में रह के पढ़ा, फिर घर से बाहर ही रह के पढ़ा, तो उसको तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन सामान्य तौर पे बहुत सारे बच्चों को कभी उनकी मां ये कहती नहीं कि चाय तो बना लो कम से कम। बेटी को पढ़ा के ये तो सिखा दिया कि तुम्हें नौकरी करने जाना है, लेकिन लड़के को ये क्यों नहीं सिखाया कि उसको घर पे रोटी भी बनानी आनी चाहिए? समानता की बात कीजिए तो ऐसे कीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। परिणाम ये आए कि जो यूयम वयम, वयम यूयम था, जो दोनों के साथ में एकात्मकता रहा करती थी, आज विवाह के बाद यूयम यूयम वयम वयम होते टाइम नहीं लगता है। बहुत थोड़े से समय में कई बार बहुत सारे लोगों को यह एहसास हो जाता है कि तुम हो, हम हैं, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहे, और ये एहसास बहुत अच्छा नहीं। जब तक तुम हम और हम तुम एक बने रहे तभी तक अच्छा है भैया। तो जीवन में कोई भी संबंध हो उसको तुम और हम मत करना, तुम हम तुम बना रहेगा, यही भर्तृहरि सिखाते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।